बिहार में आने वाले पर्व को लेकर सरकार चिंतित है। ताकि होली व शबे बारात में शांति कायम रहे, उसी को लेकर महाराजगंज में अनुमंडल कार्यालय के सभागार में SDO संजय कुमार व DSP पोलस कुमार के नेतृत्व में सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सरकारी विभाग के पदाधिकारी व शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस बैठक की अध्यक्षता SDM संजय कुमार ने की। SDM ने बैठक में उपस्थित शांति समिति के सदस्यों से होली एवं शबे बारात पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए जाने के लिए और शांतिपूर्ण वातावरण व भाईचारे के साथ मनाने पर सदस्यों से विचार विमर्श किया। इस पर होली पर्व को लेकर विधि व्यवस्था व अन्य पहलुओं पर समिति के सदस्यों ने अनुमंडल प्रशासन को अवगत कराया। 17 मार्च को रात्रि में होलिका दहन का कार्यक्रम भी निश्चित है। 18 मार्च को होली व रात्रि में शबे बारात मनाई जाएगी। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस कुमार ने बताया कि 17 मार्च की रात्रि और 18 तारीख को शांति व्यवस्था तथा पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति पर विचार विमर्श किया, ताकि दोनों पर शांति भाईचारा और प्रेम के साथ मनाया जा सके। ऐसी स्थिति में शांति समिति के सदस्यों का यह नैतिक दायित्व बनता है कि इसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर इस पर्व को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाए। बैठक में EO हरिश्चंद्र, थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, सर्कल इंस्पेक्टर बालेश्वर राय, BDO रवि रंजन दरौदा, BDO दिनेश कुमार सिंह, अभय कुमार सिंह सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। कार्यालय में सर होली को लेकर बैठक किया गया, क्या उद्देश्य रहा सर इसका बैठक? देखिए, सभी को पता भी है कि 18-19 तारीख में से कोई तिथि को होली पर्व मनाया जाएगा, 17 को संबद्ध है। ऐसी स्थिति में हमारे महाराजगंज मंडल के प्रबुद्ध नागरिकगण और हमारे शांति समिति के सदस्यगण आज बैठक की और सरकार के जो नीति निर्धारण है होली पर्व को लेकर के और शबे बारात को लेकर के, उसके बारे में उनको सूचना देना, उनसे सलाह लेना और किस प्रकार से होली और शबे बारात का पर्व बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूर्ण हो, इसके लिए हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। हमारी पूरी टीम SDPO साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब और अन्य प्रखंड विकास पदाधिकारी अन्य लोग उपस्थित हैं और मेरा एक पूर्ण विश्वास है कि हम लोग महाराजगंज के सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से होली एवं शबे बारात का पर्व को मनाएंगे। महाराजगंज मंडल वासियों को होली को लेकर सर शुभकामनाएं? जरूर, और लगातार शुभकामनाएं जाएंगे अनुमंडल महाराजगंज के साथ साथ पूरे बिहार के सभी नागरिकों को आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। होली पर्व अच्छे से मनाएं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, सुरक्षित मनाएं। सर, होली और निश्चित तौर पर देखा गया है कि इस बार शबे बारात और होली जो है दो अलग अलग तिथियों में है, लेकिन काफ़ी नज़दीक है। इसको लेकर हर एक थाना के स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर शांति समिति की मीटिंग की गई है। लोगों को बुलाकर सरकार की जितनी भी जो गाइडलाइन है इसको लेकर उसे अवगत करा दिया गया है। होली में लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनाए जाने और साथ ही साथ होली पर्व को अच्छे तरीके से मनाए जाने के लिए उन्हें दिशा निर्देशित किया गया है। हमारी सभी थाना जो है उस दिन लगातार भ्रमणशील रहेगी, छोटी से छोटी घटनाओं पर भी संज्ञान लिया जाएगा और अराजक तत्वों पर भी नियंत्रण बनाए रखेंगे। होली को लेकर सर महाराजगंज मंडल वासियों को क्या संदेश दीजिएगा? चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली को ढंग से मनाए, रात को भी ढंग से मनाए, एक दूसरे धर्म का सम्मान करें। संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट, बिहार डेस्क, R9 भारत।